नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक निगम है और आप देख रहे हैं आपकी बात। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के स्लोगन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित स्लोगन का नारा लगवाया, जो कि नारा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस नारे के बाद जो भी देश में हमारे हुआ, आइए जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जहां एक ओर पिछले काफी टाइम से पूरा देश सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, जहां एक ओर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पिछले एक महीने से लोगों ने रास्ता जाम किया हुआ है और धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के मंत्री और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से इस प्रकार के स्लोगन सुनने के बाद भारत के सेकुलरिज्म पर सीधा सीधा अटैक है। अनुराग ठाकुर के इस विवादित स्लोगन के बाद और उनके भड़काऊ भाषण के बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब जामिया और शाहीन बाग गोलीकांड की आवाज संसद तक गूंजने लगी है। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा है कि आप मुझे बता दे जगह, मैं वहां पर आऊंगा और आप मुझे गोली मारने की जगह बताइए। एक फाइनेंस मिनिस्टर है भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर? तुम, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि एज एंड डेवलपमेंट बैंक से आपने कौन कौन से सेक्टर के लिए पैसे मांगे गए हैं और लोन दिया गया है, मैं पहली बात से कहना चाहता हूं कि ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। दोस्तों, भड़काऊ भाषण देना और विवादित स्लोगन्स को बोलना नेताओं की फितरत रही है, लेकिन अगर जरा सोचिए, यही स्लोगन्स किसी आम आदमी ने लगाए होते तो वो अब तक जेल के अंदर होता। लेकिन क्या हो रहा है मिनिस्टर्स के साथ? मिनिस्टर खुलेआम पार्लियामेंट में जा रहे हैं और उनको ऊपर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जरूर जारी किया था, उनके साथ साथ प्रवेश वर्मा है जो कि बीजेपी के लीडर, उनको भी नोटिस गया था। लेकिन इन नोटिसेस के बाद होता क्या है? क्या उनको किसी भी प्रकार की सजा हुई? अगर सोचिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसी जगह पर कोई मुस्लिम या कोई हिंदू या कोई, मैं कह रहा हूँ, आम आदमी होता तो उसके साथ क्या हो रहा होता इस समय? उसके ऊपर देशद्रोह का केस लग गया होता और पूरा देश आज उसको गद्दार कह रहा होता। आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं कमेंट के जरिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फोलो न्यूज़ इंडिया।